ये क्या हो रहा है? ओरा शुम्पादो काफोर्डी इडुस नुबुस्क। ओ वेट, ये आई थिंक एजुकेटर है जो लोगों को सिखा रही है। यहाँ पे हाथ में माइक ले, ये कौन सा लैंग्वेज है भाई, बताएगा मेरे को कोई? और सारे लोग उसको देख रहे हैं। हेलो गेमर्स, माय नेम इज अभव, वेलकम बैक टू अदर न्यू एपिसोड ऑफ प्लैनेट ज़ू। अभी मैं हूँ हमारे फ्लेमिंगोज़ के हैबिटेट के सामने, जहाँ पे हमने लास्ट एपिसोड में ये हैबिटेट बिल्ड करा था। और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ हमारे ज़ू में कि जो एजुकेटर्स है वो इस तरीके से लोगों को एजुकेट करते हैं। और ये एजुकेट करने के लिए हमको ये यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये मशीन, एनिमल टॉक पॉइंट इज ओपन। ओके, तो यहाँ पे आके हमारे आई थिंक जो गेस्ट है, एजुकेटर है, वो लोगों को एजुकेट करेंगे। ये अभी इनको ग्रेटर फ्लेमिंगोज के बारे में बता रही है। ओके भाई, ये तो काफ़ी सही चीज़ है। दिन में काम करता हूँ ये दो तीन जगह पे, फिर लगा रहता हूँ मैं। एक अगर यहाँ पे है तो एक आई थिंक इधर भी था, क्योंकि मैंने काफ़ी लास्ट टाइम में बड़ा हैबिटेट बिल्ड करा था। हाँ, एक यहाँ पे भी है, पर यहाँ तक आने के लिए लोगों को रोड नहीं मिल रहा है। बट एक सेकेंड, सबसे पहले मेरे को ये चीज़ लगानी है। काम करते हैं, यही सेम चीज़ यहाँ पे लगाते हैं एक और। अभी इसको का ये काम कैसे करता है? मिस असाइंड स्पेसिस, अभी मुझे यहाँ पे स्पेसिस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ओके, हाँ, जहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा कंगारू है, तो यहाँ पे मैंने रेड कंगारू सेलेक्ट कर दिया। एंड इसको आई थिंक मुझे एक वर्क जोन के अंदर भी ऐड करना पड़ेगा। भाई इस गेम में ना छोटी छोटी चीज़ें होती है जो गेम को बहुत प्यारी बनाती है, तो मुझे इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसको भी मैं इंडियन वर्क जोन के अंदर ही ऐड करूँगा, इसको आई थिंक ऐड करना होता है। या इधर के गेट्स इनको भी ऐड करना होगा, और ये मशीन, हाँ, अभी मैंने इसको वर्क जोन के अंदर ऐड कर दिया है। तो भी आई थिंक यहाँ पे भी एजुकेटर आके एजुकेट करेगा। हाँ देखो, ये एनिमल टॉकेटिव पॉइंट यहाँ पे अभी ऑन हो गया, यहाँ पे इज़ ओपन। तो भी यहाँ पे भी आके आई थिंक हमारा जो एजुकेटर होगा वो लोगों को एजुकेट करेगा। और मैं क्या बोल रहा था, हाँ, हम लास्ट एपिसोड में यहाँ पे फ्लेमिंगोज को लेके आए थे, और आज मुझे इनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ऑटोमेटिक फीडर वगैरह लगाना है, क्योंकि यार हर बार हमारे वेट को आके इनको यहाँ पे खाना वगैरह खिलाना पड़ रहा है। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे इनका एंडिशमेंट देखता हूँ तो न्यूट्रिशन इनको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, और पानी लेस ड्रिंक क्लीननेस, आई मीन पानी का इशू है यहाँ पे। हेलो, पानी क्लीन नहीं हो रहा है क्या? भाई भाई भाई, एक सेकेंड, मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा। वाटर ट्रीटमेंट, ओ या वाटर ट्रीटमेंट, इसको ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा वाटर का। तो एक काम करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इधर लगाते, फिर यहाँ पे लग जाएगा। ये मैंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को वर्क जोन के अंदर ऐड कर दिया, तो अभी यहाँ का पानी क्लीन होगा और हमारे जो फ्लेमिंगोज है इनको यहाँ पे फ्रेश पानी मिलेगा। या अभी इनका यहाँ से पानी का हट जाएगा, और अभी देखते हैं इनके ऊपर जो मैंने रिसर्च लास्ट टाइम में कर रहा था वो कंप्लीट हो गया होगा आई थिंक। या ओ भाई, लगभग पूरा रिसर्च कंप्लीट हो गया। तो अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ इनका एनरिचमेंट में कुछ फीडर का आ गया क्या। उनको ऑटोमेटिक खाना चाहिए ना, सो दैट्स वाई फीडर, यार फीडर तो नहीं आया इनके लिए कुछ भी। ग्रेटर फ्लेमिंगो फूड एनरिचमेंट में देखो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक सेकेंड, आ गया वो फूड पूल। ओ, ये पूल लगता है इनको पूरा, ठीक है। तो फूड पूल लगाने के लिए काफ़ी सारा स्पेस चाहिए फिर। वैसे सर इधर ज़्यादा लोग आते नहीं है, तो एक काम करते हैं यहीं पे कहीं पे लगाते हैं। यहाँ पे जगह तो चाहिए, यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। फिट 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 हो जा, ये जगह को मुझे थोड़ा सा प्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है वो फूड का बाउल। या मैंने ये ज़मीन को पूरा प्लेन कर दिया, अभी आई थिंक वो लग जाएगा फूड बाउल। एग्जैक्टली यहाँ पे ये फिट भी हो गया। तो मैंने यहाँ पे इनका खाने का सिस्टम कर दिया है, तो भी सारे फ्लेमिंगोज आके यहाँ पे खाना खाएंगे। देखा, इनका एनरिचमेंट 100% हो गया। तो यही एकदम छोटी सी बेसिक सी चीज़ होती है, ये लगाने के बाद देखा एनरिचमेंट इनका कंप्लीट हो गया। और अभी आई थिंक यहाँ पे इनको ऑटोमेटिकली खाना मिलता रहेगा। मैं कीपर को यहाँ पे जल्दी से बुला देता हूँ, ताकि यहाँ पे कीपर आके जल्दी से इनको एक बार खाना डाल सके। अगर इनको यहाँ पे एक बार खाना मिल गया तो बार बार कीपर को आके यहाँ पे खाना डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक साथ यहाँ पे 15 kg ऑफ फूड भी आ सकता है, मतलब काफ़ी सारा फूड हमारे फ्लेमिंगोज एक साथ खा सकते हैं। वैसे मुझे देखना पड़ेगा फ्लेमिंगोज का पॉपुलेशन कितना हो गया है। लेट मी चेक, यहाँ पे इनका गेट को आके देखते हैं कितने फ्लेमिंगोज है टोटल। टोटल यहाँ पे भाई 4 ही फ्लेमिंगोज है, और एक ही इन्होंने बच्चा पैदा किया है। अरे यार, यू नो अभी बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे इनका यू नो खाने का सिस्टम बना दिया है। तो अभी ये जितना ज़्यादा खाना खाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे। और आज के एपिसोड के लिए मैंने सोचा है, आज के एपिसोड में हम हमारे ज़ू के अंदर एक सील को लेकर आएंगे। द ग्रेटर सील होता है, जो यू नो मतलब बर्फीले इलाके में रहता है, वो सील को आज हम लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, एनिमल ट्रेडिंग में चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे ज़ू में सील मिलती है। तो ये हमको यहाँ पे स्पेसिस में सील सर्च करना पड़ेगा। ग्रे सील बोलते हैं उसको, ग्रेट नहीं, ग्रे सील बोलते हैं। या सील तो इजीली मिल जाएगी। ये 1500 में है और ये 1000 में है। इसका ओ यार, ये देखो पूरा यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज है। इसको अगर अडॉप्ट किया तो इसका तो भाई साइज़ कम है, लॉन्गेटिविटी भी कम है, और फर्टिलिटी भी कम है, बस इम्यूनिटी अच्छी है इसकी। तो इसको मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ, ये फीमेल है।
तो एक फीमेल को अडॉप्ट करते हैं एंड एक मेल तो यहाँ पे एक ही है, तो मेल तो लेने के लिए मुझे 1000 क्रेडिट्स चाहिए होंगे कंजर्वेशन। तो ठीक है 1000 तो इजीली मिल जाएंगे क्योंकि हमारे पास पेंगुइन, एक सेकंड का सील दिखाने से पहले मैं आपको एक बार पेंगुइन का दिखाता हूँ। भाई हमारे जू में पेंगुइन्स इतने सारे हो गए ना कि भाई मतलब क्या ही बताऊँ मैं, जस्ट लुक एट दिस, ऐसा लग रहा है ना बाजार भरा है पेंगुइन्स का, इतने सारे पेंगुइन्स हो गए और इनको ना यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। ये क्या चीज़ है और ये खिलौना है, देखो कितने सारे, मतलब लिटरली बाजार लगा है पेंगुइन का। देखो किसी का, अगर मैं आपको एक का व्यू दिखाऊंगा कितने सारे बच्चे और इनका कितना पॉपुलेशन है, और यहाँ पे ओ भाई ये कितना प्यारा है, इससे देखो बबल्स निकल रहे, बबल मशीन, दिस इज सो क्यूट। और देखो कितने सारे पेंगुइन्स के बच्चे हैं, तो भी मैं यहाँ से काफ़ी सारे पेंगुइन्स के बच्चों को रिलीज करने वाला हूँ, रिलीज टू वाइल्ड करते ताकि और थोड़े से हमको कंजर्वेशन क्रेडिट्स मिल सके। रिलीज टू वाइल्ड 500 हो जाएंगे, ओ 500 या 600 आ गए, तो अभी मेरे पास कितने हो गए 900 हो गए। अभी देखते हैं वापस से, ओ अभी थोड़े से और सील के अनलॉक हो गए, तो अभी यहाँ पे वही 500 में भी मिल रहा है मुझे। ओ ये अच्छा है, ये अच्छी फीमेल है, इसको अडॉप्ट करते हैं, बट यार मुझे मेल चाहिए था। अरे यार इसकी इम्यूनिटी कम है, बट आई थिंक इतनी ही मेल्स है फिर, ये पैसों में मिल रहा है इसका, ठीक नहीं है, एकदम प्रॉपर सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। रिलीज टू वाइल्ड 175 आ गए और अभी हम इसको इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे, यही था ना, यही था अडॉप्ट, लेट्स गो। हमने लगभग 3 सील्स को अडॉप्ट कर लिया है, तो अभी हम इनके लिए यहाँ पे आई मीन प्यारा हैबिटेट बना सकते हैं। या गुड मॉर्निंग गेमर्स, वापस से हमारे जू में एक बहुत प्यारी सुबह हो गई है और आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत प्यारा हैबिटेट हमारे सील के लिए, और वो सील के लिए जो हैबिटेट रहेगा वो मैं इधर किधर बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे बना दिया तो यहाँ से इजीली ना मतलब गेस्ट जाके सील को देख सकते हैं, और उसका हैबिटेट भी मेरे पास है, मैं आपको एक बार उसका ब्लूप्रिंट दिखा देता हूँ। काफ़ी सारे हैबिटेट्स है मेरे पास, मैंने इसको ऑफलाइन बनाने की कोशिश भी करी थी बना के देखने की, तो यहाँ पे हम सील सर्च करेंगे तो ये आ गया, सील का हैबिटेट काफ़ी सारे है। ये फ्लेमिंगो का, ओह ये फ्लेमिंगो का अनलॉक हो गया, वाह कितना क्यूट सा था, बट अभी मैंने बना दिया तो फ्लेमिंगो का क्या बनाएंगे अभी। यहाँ पे ये भी है, ये $31,000 में बन रहा है, ये भी ऐसे काफ़ी बढ़िया है, यही बढ़िया लग रहा है मुझे, पूरा ऐसे उन्होंने पत्थरों से कवर्ड है और प्यारा भी लगेगा दिखने में। और ये यहाँ पे फिट हो रहा है क्या, वो फिट हो जाएगा एकदम, ये जगह एकदम बेटर भी लग रही है उसको फिट करने के लिए। वो बन गया हैबिटेट को गेमर्स, हमने यहाँ पे बिल्ड कर दिया है सील का, और वाह काफ़ी प्यारा है। और यहाँ पे आई थिंक नीचे से भी उन्होंने देखने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे लोग नीचे से भी आके देख सकते हैं। नाइस लेट्स गो, हैबिटेट तो हमारा बन चुका है, और अभी बस मुझे यहाँ पे इसको हैबिटेट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो मैंने यहाँ पे ऑफलाइन बनाया था उसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, सिलेक्ट ऑल करके, सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट, ओके इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। और ये जो नया हैबिटेट है यहाँ पे, मुझे इसको अभी कनेक्ट करना पड़ेगा हमारे न्यू हैबिटेट से, आई मीन हमारे यू नो स्टाफ से। तो ये स्टाफ का पैथ इधर से ऐसा नीचे, इसको अभी लेके आना पड़ेगा मुझे, तो ये नीचे ऐसा इधर से आएगा ब्रिज बन के, जस्ट लाइक नीचे नीचे आ जाए नीचे, ओके ये नीचे आ गया। और यहाँ पे मैं जल्दी से इसको कनेक्ट कर देता हूँ ताकि हमारी सील यहाँ पे जल्दी से आ जाए, सील चाचा। ठीक है ये मैंने यहाँ पे हैबिटेट ऐड कर दिया, काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। और अभी जल्दी से मैं यहाँ पे, अभी सबसे पहले मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा हमारे वर्क जोन के अंदर, तो यहाँ पे स्टाफ में वर्क जोन्स, और हमारा ये इंडियन थीम के अंदर ही रहेगा क्योंकि वही इसके पास है, तो ये मैंने इसको ऐड कर दिया। लेट्स गो, इंडियन थीम के अंदर हमारा हैबिटेट ऐड हो चुका है, और अभी मैं जल्दी से सील को सेंड कर देता हूँ हमारे नए हैबिटेट के अंदर, जस्ट लाइक दिस। एनिमल ट्रेडिंग में आना पड़ेगा, और ये आप हमारी सील होगी एनिमल स्टोरेज में, या ये ग्रेट सील 1, 2 एंड 3, और सेंड टू जू करते हैं, और ये यहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे हैबिटेट में। और वैसे सील काफ़ी ज़्यादा महंगी बिकती है अगर उसको हम यू नो यहाँ पे सेल करें तो, बट हमको सेल नहीं करना है, उसको यहाँ पे लेके आना है। और अभी काम करते हैं, यहाँ पे मैं जल्दी से पानी को भी ऐड कर देता हूँ उसके हैबिटेट में, ये पानी ऐड हो जा भाई पानी, हाँ ये रहा पानी, हाँ इधर तक, कहाँ तक आएगा ये, ओके यहाँ तक आ रहा है, लेट्स गो। पानी भी आ चुका है उसके हैबिटेट में, ओ भाई बहुत सही लग रहा है। और अभी मुझे ये देखना है यहाँ पे लोग कैसे आएंगे, यहाँ पे आते मुझे पैथ खुद से बनाना पड़ेगा, बट हाउ, या भाई ऐसे ही दे रखा है, वेट ओ यहाँ से पीछे से, हाँ यहाँ से आ सकते हैं लोग, ओके ओके ओके, यहाँ से लोगों के जाने का भी सिस्टम दे रखा है, तो हम यहाँ से एक पैथ बनाएंगे लोगों का यहाँ तक आने के लिए। तो एक काम करते हैं अभी उसी से फिर शुरुआत करते हैं जब तक हमारी सील आ रही है अंदर, ये इस तरीके से, हाँ लेट्स गो, ये मैंने बना दिया और आई थिंक इतना ठीक है। और फिर यहाँ से इसको हम टर्न करके ये आएगा यहाँ तक, लेट्स गो। मैंने नीचे से ऊपर आने के लिए एक रोड का कनेक्शन तो कर दिया है, और सील आ गई क्या उसके हैबिटेट में, लेट मी चेक भाई, सील को लेके आओ भाई, आई थिंक ये लोग अभी तक लेके नहीं आए,
आई थिंक मैंने गेम को पॉज रखा है भाई, केस से आएगी सील, बट इट्स ऑल राइट। मैंने रोड तो भी यहाँ पे बना दिया है, तो अभी हमारा यू नो लोग आके यहाँ पे इसको देख सकते हैं। और अभी इसके साइड में भी ना घूमने के लिए मैं एक और रास्ता फिर बना लेता हूँ, इसका वेट कम करके गेम को पॉज करते, नहीं तो यार यहाँ पे ना बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इसके साइड में घुमाएंगे ताकि लोग इसको साइड में भी से देख सकते हैं। अभी इतना जूम काहे हो रहा है यहाँ पे ऐसा, ये एंड ये कनेक्ट होगा इसको। ओके, एक मैंने कनेक्ट कर दिया और सेम मुझे इधर भी करना पड़ेगा, जस्ट लाइक ये इधर से आएगा रोड, कहाँ से आएगा, ओके इधर से आएगा, नो वरीज, यहाँ से रोड अंदर लेके चलते हैं, कनेक्ट ओवर हियर। ओके, तो मैंने अभी यहाँ पे सर्कुलर रोड्स भी बना दिए, तो अभी यहाँ पे रोड के कनेक्शन हो चुके हैं, लोग आके अभी सील को देख सकते हैं, मतलब अंडरग्राउंड जिसको अंडर वाटर देखना है, एंड जिन लोगों को साइड से देखना है उनके लिए भी फिर मैं ना यहाँ पे ऐसे साइड से रोड बना सकता हूँ। वेट, यहाँ से भी वैसे आ सकता है ब्रिज, तो यहाँ से मैं ब्रिज का कनेक्शन फिर लेके आऊँगा इधर। हाँ, यहाँ से इजीली आ सकता है, मतलब जो लोग हमारे इसको देखेंगे ना, क्या नाम है इसका, फ्लेमिंगो को, वो लोग यहाँ पे सील को देखने के लिए इजीली आ सकते हैं। तो यहाँ से मैं फिर रोड को थोड़ा सा ऐसा नीचे लेके आते हैं, मतलब हर जगह पे मुझे ब्रिज नहीं बनाना चाहिए, यहाँ से ये रोड आएगा ऐसा इस तरीके से, और लोगों को देखने के लिए आई थिंक लोग देख सकते हैं ना इसको साइड से, हाँ देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये रोड को मैं यहाँ पे से बिल्ड कर देता इसके साइड में ताकि लोग आके इसको देख सके, बस सील यहाँ पे ना एस्केप ना कर पाए बस। ओके, अभी मैंने गेमर्स यहाँ पे और थोड़े से कनेक्शंस कर दिए रोड्स के, तो अभी सील बस यहाँ से भागनी नहीं चाहिए, इधर से भाग सकती यार, आई मीन ये पत्थर के ऊपर से ऐसा मुझे लग रहा है, बस भागना जाए भाई, नहीं तो ना लफड़ा हो जाएगा। और अभी काम करते हैं, अभी गेम का स्पीड बढ़ाते भाई, जल्दी से सील को लेके आओ। या फाइनली गाइज, सील आ चुकी है उसके हैबिटेट में, कितना बड़ा होता ये, वो ओ भाई ये तेंदुए की, आई मीन बहुत अजीब लग रहा है बट काफ़ी क्यूट एनिमल है। देखो ये उसके हैबिटेट में आ गया, और अभी ये खुश तो है ना वैसे, टोटल मैंने 3 चीज़ को मंगवाया था, अभी तो एक ही आई है आई थिंक, बाकी के हमारे वेट ना बिजी है थोड़ा सा काम में, आई थिंक ये भी जल्दी लेके आ जाएगा, डोंट वरी। इसका सोशल अभी थोड़ा सा ख़राब है, स्पेस का क्या इशू है, क्रिटिकल एरिया और क्राउडिंग इशूज़ आर प्रेजेंट। भाई अभी तो कोई भी आया नहीं है तेरे हैबिटेट में, क्रिटिकल एरिया काहे का क्रिटिकल एरिया, पता नहीं, बट ये ठीक हो जाएगा आई थिंक जल्दी, जब यहाँ पे और बाकी के सील्स आ जाएंगी। और ये आवाज़ भी कर रहा है ऐसा, हुरक हुरक कर रहा है कुछ। टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट है, ओ भाई भाई भाई, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये कूलर्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यार सील को ठंडा टेम्परेचर पसंद है। एक बार इसका झूपीडिया देखते हैं इसको क्या क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो ये आ गई सील, और यहाँ पे हम इसका टेम्परेचर देखेंगे, कितना इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, -15 to -26, ओ भाई बहुत ठंडा टेम्परेचर चाहिए। तो एक काम करते हैं, अपना जो पेंगविन है वहाँ से कुछ कूलर्स को उठाते हैं। भाई पेंगविन्स की ना बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, और ये पॉपुलेशन की वजह से अभी इनमें कुछ आई थिंक बीमारी भी हो गई है, क्योंकि देखो यहाँ पे काफ़ी सारा मेरे को मैसेज भी आ रहे हैं, डिसीज ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग वगैरह, तो मुझे उसका भी देखना पड़ेगा। पूरा हैबिटेट मुझे -17 degrees के आसपास रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एंड एक यहाँ पे भी आएगा। ओके, मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे अभी कूलर्स लगा दिए, टेम्परेचर अभी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है अभी तो, ठीक है ना। या अभी इसका हैबिटेट एकदम परफेक्ट है, थोड़ा सा स्पेस का इशू है, क्रिटिकल एरिया और क्राउडिंग इशूज़ आर प्रेजेंट। पर यार कहाँ पे क्रिटिकल एरिया किधर है, आई मीन क्राउडिंग तो बिल्कुल नहीं है, बस दो ही सील्स है यहाँ पे, पता नहीं इनको क्राउडिंग का इशू क्यों हो रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो। सील से बात करने के लिए मुझे ये वाला मशीन भी, एनिमल टॉकिंग का मशीन भी वहाँ पे लगाना चाहिए, तो इसको कॉपी करके इधर किधर लगा देते हैं, जहाँ से यू नो बात कर पाएंगे सारे लोग। ये मैंने यहाँ पे एनिमल टॉकिंग का मशीन लगा दिया है, तो इसके अंदर जल्दी से मैं एनिमल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रे सील। ओके, एंड इसको भी पावर नहीं मिल रही, ओ पावर के लिए मुझे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी का ये लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, जल्दी से यहाँ पे थोड़ा सा पावर का देखते हैं, एक जनरेटर ट्रांसफार्मर से आई थिंक हो जाएगा सब कुछ, या ट्रांसफार्मर की यहाँ पे ज़रूरत है वैसे काफ़ी ज़्यादा। तो ट्रांसफार्मर किधर लगाए, यहाँ पे लगाए, हाँ यहाँ पे लगा सकते हैं, इधर से हमारे यू नो मैनेज कर लेंगे हमारा स्टाफ, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर भी लगा दिया, अभी देखो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, बट यहाँ पे कोई एजुकेटर नहीं है। ओ वेट, अभी मुझे यहाँ पे एक एजुकेटर को असाइन करना पड़ेगा। फाइनली यहाँ पे तीनों सील्स आ चुकी है, ये एक है, ये एक है, और एक यहाँ पे है, ये कौन, मे बी दो फीमेल्स है और एक मेल है, और इनको भी सेम इशू हो रहा है यहाँ पे, स्पेस का इशू है, तो मुझे उसके ऊपर कुछ देखना पड़ेगा। मे बी नेक्स्ट एपिसोड में मैं इनका हैबिटेट थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा, जो कि ये लोग बोल रहे हैं कि स्पेस का बहुत इशू है। और अभी वैसे जू में ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ इनके लिए यहाँ पे मतलब ऐसा ये नहीं, क्या क्या बोलते हैं उसको, छत वगैरह, छत, या आई थिंक छत यही है, हाँ ये इसके अंदर वैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे बारिश वैसे नहीं लग रही है, तो यही आई थिंक इनकी छत है, तो छत लगाने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। डेंजरस फाइटिंग बिटवीन गोरिला
वो गोरिल्लास के बीच में फाइटिंग चल रही है, वो मुझे जाकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बट अभी मैंने यहाँ पे एक रोड का कनेक्शन कर दिया है और मेरा गेम बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है ये हैबिटेट नया बिल्ड करने की वजह से, क्योंकि हमारा जू ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, मतलब लिमिट से ज़्यादा बड़ा हो गया भाई जू, और अगर इतने हैबिटेट्स होंगे तो भाई ऑब्वियसली गेम मेरा क्रैश होगा बहुत ज़्यादा। तो मुझे ना आने वाले एपिसोड्स में थोड़ा सा ध्यान से हैबिटेट्स को बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा जू हो गया है। देखो धीरे धीरे अभी हमारा जू भी एक्सटेंड हो रहा है, अगर गेम इतना लैग हो रहा है ना तो मुझे थोड़े से एनिमल्स को आई थिंक रिलीज टू वाइल्ड करना चाहिए। तो यहाँ से कुछ एनिमल्स को सिलेक्ट करते, मतलब जितने कम एनिमल्स रहेंगे उतना हमारे लिए बढ़िया रहेगा। तो क्विक ट्रेड करते थोड़े से एनिमल्स को और $1,000 मिल गया भाई, कुछ ज़्यादा ही लैग हो रहा है सीरियसली, बहुत स्लो प्रोसेस हो रही है। अभी थोड़ा सा ठीक चल रहा है। फाइनली गेमर्स अभी हमारा जो सील का हैबिटेट है वहाँ पे लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया है, कुछ लोग उसके उधर से देख रहे हैं। भाई यहाँ पे आओ यार नीचे, यहाँ पे मैंने काफ़ी एक प्यारा सा विविंग प्लेटफॉर्म बनाया तुम लोगों के लिए। या वो लोग आई थिंक इधर ही आ रहे हैं, मतलब अभी वो यहाँ से अंडरग्राउंड विविंग यहाँ से देखेंगे सील को। वैसे सील यहाँ से दिखाई दे रही क्या? आई थिंक वो जब पानी में तैरेंगे ना तब दिखाई देगा, यहाँ पे तो वैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सील कहाँ पे? पानी के अंदर है क्या? अरे भैया सील तो पानी के अंदर तैर ही नहीं रही है, आई डोंट नो व्हाई, ये ऊपर ही घूम रहे हैं। अबे पागल, नीचे भी आना पानी के अंदर। तो आज के लिए फिर गेमर्स इतना इनफ है, आज हमने एक बहुत प्यारा सील का हैबिटेट बना दिया हमारे जू में, बट ये हैबिटेट थोड़ा सा मुझे ना क्रिटिकल लग रहा है क्योंकि मेरा गेम बहुत लैग हो रहा है, मतलब इसी हैबिटेट की वजह से आई थिंक लैग हो रहा है। तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में ना कुछ हमारे जू के हैबिटेट्स को डिलीट कर दूंगा ताकि ये गेम लैग ना हो। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गेमर्स।